जो कि मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ वो है 3/7 और 2/7। जैसे अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3/7 प्लस 2/7, तो मतलब अब मैंने इसको तो लिख दिया है, जो कि लाइक फ्रैक्शन हुई है। लाइक फ्रैक्शंस में जो कि डिनोमिनेटर होते होते हैं वो सेम होते होते हैं, और इस सिचुएशन में जो कि हमने अकेले न्यूमिरेटर को ही प्लस करना है, डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने देना है, अकेले दोनों नंबर के न्यूमिरेटर्स को प्लस करना है। जस्ट 3+2, इसका आंसर आ चुका है, मतलब इन दोनों का आंसर आ गया 5। तो 5/7 इन दोनों का ऐड वाला आंसर है। सो फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर जो कि हमारा मिक्स्ड नंबर होता है, मिक्स्ड नंबर का भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया है 3 एंड 2/5 प्लस 2 एंड 1/5। तो सबसे पहले आपने ले लेना है, जैसे 3+2 अलग ले लेना है, और 2+5 प्लस 1/5 इन दोनों को अलग ले लेना है। 3+2 का आंसर है वो है 5, इसका आंसर है वो है मतलब इसका न्यूमिरेटर को प्लस कर देना है इन दोनों को, तो जो कि आंसर आ रहा है वो है इन दोनों का 3/5। यहाँ पर प्लस 3/5 लिख देना, 5+3/5, तो इन दोनों का जो कि आंसर आएगा वो है 5/3/5। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है सब्सट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस। तो ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया है, सब्सट्रैक्टिंग वाला कॉलम बना लिया है, तो जो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो है 2/3/4। ये मिक्स नंबर वाले ले रहा हूँ मैं, वो तो आम ही है। सबसे पहले वो बता देता हूँ कि आपने सिंपल वाला कैसे करना है। जैसे यहाँ पर 3/4 -1/4 ले लेते हैं, तो इनको माइनस करना है सेम तरीके जैसे हमने प्लस किया था, 3 -1, नीचे 4 लिख दिया है, इज इक्वल टू 2/4। तो अब जो कि 2/4 होगा, तो 2/4 को हम 2/4 को भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब, तो इसको हमने उस नंबर से डिवाइड कर देना है जो इन दोनों का फैक्टर हो। जैसे 2 इन दोनों का ही फैक्टर है वैसे ही, और दोनों को वो करने के बाद, डिवाइड करने के बाद 1/2 आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/2। और जो कि अब मैं सिंपल वाला मिक्स्ड नंबर लेने वाला हूँ वो है 2/3/4 + 3/1/4। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने प्लस की जगह पर माइनस नहीं डाला, प्लस डाल दिया। तो इसमें हमने हमने क्या करना है, जो कि सबसे पहले जो हमारा नंबर होगा उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। जैसे यहाँ पर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए जो कि यहाँ पर मैंने अब लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख देंगे हम नीचे, और ऊपर लाइन लगाकर जो कि लाइन होती रहती है बीच में, जो कि डिनोमिनेटर होगा नीचे वाला उसको हमने लिख देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना मेन नंबर, जो कि यहाँ पर मेन नंबर है 2 2 से जैसे, और प्लस कर देना न्यूमिरेटर से। जैसे यहाँ पर न्यूमिरेटर है 3 3 से, 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाता है, और उसके साथ प्लस 3 हो जाता है 11। तो यहाँ पर इसका आ गया है 11/4। वैसे ही सेकंड वाले का भी कर देंगे हम, जैसे सेकंड वाला है 3 1/4, तो इस सिचुएशन में 4 और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3 + 1, और इसको मतलब हमने कर देना है 4 मल्टीप्लाई 3 होता है 12, 12 + 1 13।
13/4, तो यहाँ पर आ चुका है दोनों नंबर, जैसे 13/4 माइनस 11/4, तो इन दोनों मतलब हमने अब ले लेना है जो कि न्यूमिरेटर होगा वो अकेला ले लेना है, 13 माइनस 11/4, और इन दोनों को इन दोनों को माइनस कर कर जो कि हमारा आंसर आ रहा है वो है 2, तो 2/4 ले लेंगे। अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में और कर देना है, डिवाइडेड बाय जिस नंबर पे भी ये दोनों मतलब आते हैं, मतलब जिस भी टेबल पे इनके जो सेम फैक्टर को उससे हमने कर देना कॉमन फैक्टर से, 2 मतलब 2 ही इन दोनों के टेबल में आता है, तो डिवाइड कर कर जो कि आंसर आ रहा है वो है 1/2, तो जो कि हमारा आंसर है वो है 1/2। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करना मत भूलना।